भाइयों को स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हम अपना पावर वीडर लाए हैं। ये भाई डीजल इंजन में है पावर वीडर और इसमें 12 होर्स पावर का है। और भाई आज हम इससे अपने खेत में बोर बनाएंगे। खेत में अपने में से पानी भरवा दिया हमने और इसमें चला के देखेंगे। जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और अब हम इसे चला के दिखाएंगे। ब्लेड है, अब इसमें साइड में टायर रख के ब्लेड लगेंगे दोनों। इसमें ये चार ब्लेड हैं, दो ब्लेड हैं, दोनों साइड के। और भाई दिखाते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है इसका। जो छोटे किसान भाई है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये और बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। एक भी जो इससे एक की वीडियो पहले इसमें पड़ी है, इससे हम छोटा मोटा अपना जो भी छोटे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन भी है, तो एक जोतने के लिए और बहुत अच्छी चीज़ है मतलब ये। तो भाई अब चलो इसमें टायर लगा कर दिखाते हैं तुम्हें, इसे चला के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है, चल पाता है नहीं। हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, हम जब आया था जब ट्राई करा बहुत अच्छा चला, अब बहुत टाइम बाद चला रहे हैं इसे, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। चलो भाई इसका स्टार्ट करने का तरीका ही बताएंगे हम, स्टार्ट कैसा होता है। थोड़ी वॉइस क्वालिटी में दिक्कत हो रही होगी, माइक लाएंगे जल्दी और जब देखते हैं इसका। इसे ऊपर करते हैं, इसे हटाए दे, हटा दे इसे। इसका ही कंट्रोलर होता है पीछे, इसका ये कंट्रोल होता है कितना आपको लगाना है कितना नहीं लगाना, यही है इसका ये कंट्रोल होता है। इसमें एक आगे टायर आता है, वो टायर अभी इसका है नहीं, वो टायर था वो हट गया, टूट गया उस टायर, तो इसलिए हम स्टैंड पहले नीचे करना पड़ेगा यू सेल्फ लगाने के लिए। और लच्छुनी था पहले। और भाई ये है इसका सेल्फ, ये जैसे है पुराने ट्रैक्टर मारते लाइक एस्कॉर्ट मार्क्राम। और ये इसका ये नीचे करना पड़ा है, ये जो है इसका ही प्रेस जो है और ये ऊपर के रेस कुकर रेस थोड़ी सी रेस दो और सिंपल ऐसे गिरो मत मेरी तरफ। छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है, अपनी जुताई भी कर सकते हैं अपना सारा काम और एक जोतने में बहुत अच्छा है। अभी इसको अंदर घोल में चला के दिखाएंगे क्या रिस्पॉन्स रहता है। थोड़ी गीली मिट्टी है यहाँ पे, खादर की मिट्टी है, चीकनी मिट्टी है, तो इसमें ब्लेड होना मतलब तो सूखे में चला के इसकी मिट्टी निकाल दिया, पहले सूखे में चला इसकी मिट्टी निकल जाएगी। ये देखे भाई, तो भाई कमेंट करके बताओ कैसी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखे भाई सारी मिट्टी साफ हो गई, ये देखे भाई इसमें दो गेयर हो गए भाई, पहला गेयर बहुत लगे अब दूसरा गेयर लग रहा है इसका, लोड तो भाई कभी मानता ही नहीं है। ये देखिए, चलो भाई साहब अंदर खेत में लेके चलते हैं, इधर से बड़ा ये देखिए भाई अंदर अब खेत में लेके चलते हैं, इधर घोल में इधर से बड़ा इधर से। ये देखिए भाई अब ये खेत रोकने, तो भाई ये बढ़ा दिया खेत में, ये देखिए भाई बीच में कर ले बीच में, यह लीक तो मतलब ये देखिए भाई कितनी मट्टी आ गई है पावर फीडर में। बैक गियर नहीं लग रहा इस पे, बैक गियर भाई एकदम ऊपर उठ जा रहा है ये। ये देखे भाई ये देखिए कितना गहरा लग रहा है, मतलब ये देखे गहरा कितना लग रहा है।
भाई बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। ये देखिए इसके पीछे तुम कोई भी मेला वगैरह कुछ भी बांध सकते हो जो आपका मन करे। ये देखिए भाई क्या क्या रिपोर्ट है, कितना बढ़िया चल रहा है। ये देखिए लीक में मतला, लीक में मतला। ये देखिए भाई तो भाई कमेंट करके बताओ कैसे सप्लाई कर रहा है पावर मीटर। बहुत बहुत अच्छी जुताई कर रहा है भाई। अभी इसके साइड के ब्लेड नहीं है, इसके पीछे का मैडर नहीं है, इस वजह से ये थोड़ी दिक्कत कर रहा, थोड़ा मट्टी ज्यादा ले रहा अगली साइड। लोड देखे गते ही भी लोड नहीं दे रहा। ये देखे भाई तो भाई जो अपने छोटे किसान भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये पावर मीटर। तो भाई सभी भाई ले इसके, इसका मैं प्राइस ही बताऊंगा ये हमको कितने। तो ये देखे भाई, चल भाई चल चला के दिखा। तो भाई ये रूटा वेटर जो होता है ट्रैक्टर का उससे भी ज्यादा लग रहा है। ये देखे भाई मेरे पैर, ये देखे इसके जूते में मैं यहाँ तक अंदर बढ़ गए मेरे पैर इस तक। ये भाई दिखाएगा, दिखाइए भाई कितना अंदर लग रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितना गहरा लग रहा है। जान लगानी पड़ रही है बाहर निकालने को। देखो मट्टी देखो भाई, डोली पर रुकेगा। ए रुक गया रुक गया, ए धुआं देखो भाई रुक गया रुक गया। कितना बैठ रहा है, बंद तो होगा ही शायद, किसी का पावर मीटर इतना लगता होगा। देखना ये देखो, ये देखो यार ट्रैक्टर कितना गहरा, कितनी गहरी जुताई कर रहा है। ये देखिए भाई खेतों पानी कम है, खेत पानी पिए हुए खेत है यू, इसीलिए भाई बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ रही है इसको और इसीलिए ज्यादा लोड मानना है। तो भाई इसको निकालते हैं जल्दी से और फिर मैं टायर लगा के देखते हैं एक बार ट्राई क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो हमने इसकी जुताई तो आपको दिखा दी, देख सकते हो आप क्या जुताई कर रखी है। इतना मतलब इतना लग रहा है, इतना लग रहा है कि उठाना पड़ रहा है बार बार। ये देखे भाई चले भी नहीं जा रहा पानी में, इतना ज्यादा गहरी जुताई कर रहा है। इसके पीछे अगर मेड़ा बांध देंगे हम तो उससे हल्का हो जाएगा चलने में।
उससे क्या फायदा होगा, उससे इसकी ब्लेड की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा एक सार कर देगा टायर लगा कर। और रूटर से जो उतना चाहते थे भाई, पानी पहले खेत में नहीं भरा होना चाहिए, इसमें कई दिन का पानी भर रहा, खेत पानी पिए हुए है, इसीलिए बाइक की वीडियो जब भी इसमें पानी भर रहा था और आज भी इतना ही पानी है इसमें। तो भाई फंस चुका अपना पावर वीडर और निकालते हैं अब इसको। वीडियो में एक कमेंट करके बताना कि ट्रैक्टर कौन सा लें, चार कंपनी के वे हैं, 16744 855 न्यू होलैंड और जॉन डियर 50000D। इनमें से कौन सा ट्रैक्टर ले आ जावे, वही ट्रैक्टर आएगा भाई, न्यू होलैंड 3630। बता दो कौन सा ट्रैक्टर ले, कमेंट करके बता। ठीक है भाई, हम इसको निकाल लें अब जरा बाहर, चलो दिखाते हैं आपको कैसे कैसे हम इसको निकालते हैं। चलो भाई सेल्फ मार, दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता, निकल पाता है नहीं, इकला ही निकालने की कोशिश करेंगे फिलहाल। ये देखे भाई, ये देखे भाई। चल पहला लगा ले, पहला गियर लगा ले, ये देखे भाई सिमल भी नहीं रहा। चलो भाई दिखाते हैं इसको बाहर निकाल के, थोड़ी हेल्प करवाते हैं निकलवाने में। चलो थोड़ी मिट्टी हटा ले यहाँ पे, दलदल वही पड़ी है, दलदल, देखो कितने पैर बैठ रहे हैं, ये देखे भाई कितने इतने पैर बैठ रहे हैं। चल प्रेशर से ले, प्रेशर से निकल जाएगा, ये देखे भाई। भाई देख सकते हो फिर से लगा दिया है, थोड़ी सी मिट्टी हटाई है यहाँ से, बस बस चल बस बस बस, ये देखे भाई मिट्टी इतनी भर के ला रहा है पहले से ही, तो चढ़ेगा तो क्या ही है, ये देखिए रह गया रहेगा चढ़ेगा, ये देखिए भाई चढ़ेगा, ये देखे भाई गया अकेला ही चढ़ गया आखिर, जैसे कि भाई मट्टी देखिए, मट्टी भाई मिट्टी देख सकते हो आप, ये देखिए पानी रोक देते हैं, ये देखिए भाई। और आपको हम अब इस खेत में चला के दिखाते हैं, इसे सूखे खेत में क्या रिस्पॉन्स रहता है इसका, कितना लगता है ये। चल भाई सूखे खेत में एक राउंड ला दे, हाँ चला हाँ दीपू दे, हाँ यहाँ दे जी गला। तो भाई दिखाते हैं आपको चला के क्या रिस्पॉन्स रहता है पावर वीटर का। और भाई जरा पेडी की ईक है अपनी, जैसे कि ये ईक है तो ये इसे भी जोतता हूँ, हमने अपनी जोती है, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी एक आध दिन में। ये देखे भाई मतलब इतनी अच्छी जुताई है बहुत ज़्यादा, ये देखे भाई भाई। और भाई इसमें एक आदमी खड़ा करके देखते, रोक। तो भाई इसमें एक आदमी खड़ा करके देखते हैं खेच पाता है नहीं। चलो भाई एक आदमी खड़ा करते पहले इसमें, जब दिखाते भाई आपको। चल भाई आगे खड़ा हो जी इस पे। तो भाई दिखाते मोड़ के ला रहा है दोबारा से, ये देखे भाई जुताई देखिए इतनी बेहतरीन जुताई कर रहा है बहुत ज्यादा। ये थोड़ा गिर गया था, एयर इसकी टूट गई इसलिए थोड़ी ये दिक्कत कर रहा है। चलो भाई एक आदमी बैठा दे इस पे आगे, यहाँ बैठ जा, हाँ चलो भाई ये बैठा दिया एक, और देखे भाई पावर मीटर का क्या रिस्पॉन्स है। इधर मोड़ इसे, यहाँ ला देखे भाई, बस बस
बस वो तो पहले डर गया तो भाई इसका मुंह देखो संभल के बैठा रहिए भाई देखिए क्या क्या चल रहा है एक आगे बैठा एक हाथ से चल रहा है तो भाई आगे बैठने में डर लगता है पैर आ गया इसमें पैर काट देगा हमारा भैया मानता नहीं है कहता है कि बैठ इस पे भाई अपनी जान प्यारी है सबको अब पहिए लगा के देख लो भाई बिल्कुल पट जमीन है यहाँ पे तो इसमें पानी लग गया है हाँ थोड़ा सा टूट गया था भाई ट्रेंच के गन्ने में चलाया था ट्रेंच के गन्ने के लिए तो बहुत बेस्ट है ये इतना ही चौड़ा खूट रहता है और बिल्कुल ऐसे बुरा सी बना के जाता भाई गीले खेत में दूसरे गेयर में दब जाता और जब आगे ज्यादा मिट्टी आ जाती है तो पहले गेयर में भी दबता तो भाई पावर वीडर में टायर लगा दिया है एक तो एक और टायर लगा रहे हैं ये डिले है हमने गलत खड़ा कर दिया यहाँ पे तो चलो कोई बात नहीं थोड़ा तो बहुत तो कष्ट भी हो जाना चाहिए चलो अब दिखाते हैं इसमें दूसरे टायर लगा के लगा दोनों दूसरे टायर चलो भाई फिर से कर दिया स्टार्ट और चलो लेके चलते हैं अभी से दोबारा से पानी में ये देखे भाई पीछे इसके साथ चलेंगे नहीं जा रहा तो दिखाते हैं भाई चलो अंदर बढ़ाते हैं चल भाई चलो भाई यहाँ ट्रैक्टर की लीक है हाँ इसमें मत लेइए अलग अलग तो ये देखे भाई ये देखे चाल देखे भाई स्पीड कितनी तेज है टायर की ये देखिए इसके पीछे अगर हम मेड़ा बांध दे तो बहुत ही अच्छी वो करेगा ये इसमें गोल मारेगा एक सार करेगा मतलब इसको पहले हमने बड़े ट्रैक्टर से जोत के छोड़ दिया है और जिन किसान भाइयों के पास बड़े ट्रैक्टर नहीं है वो इसी से ही जोत सकते हैं ये देखे भाई बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ा रहा बट इसके कवर आते हैं वो कवर हमने उतार के रख दिए तो भाई से पहले पूरा नीचे धसाएंगे फिर देखेंगे निकल पा गया नहीं ये देखे भाई ये निकल गया भाई बहुत ही आसानी से ये देखिए तो भाई मैं इसके ऊपर बैठ के देखूं क्या रिस्पॉन्स रहता है चलो मैं बैठता हूँ इसके ऊपर ले भाई
ट्रैक्टर लांगे अपना। ओए ट्रैक्टर ला। हमने अब देखेंगे इसकी जान, ये बहुत ज्यादा वो दिखा रहा है मेरा बहुत जाना वाजा। तो भाई जान तो है, ये देख भाई पैर देखे कितने बढ़ रहे हैं इसमें, ये देखिए ये भाई पहले गियर में है स्लो रेस, ये देखिए यहाँ को चढ़ाना है यहाँ को, तो भाई से यहाँ चढ़ाएंगे भाई। इसके एवरेज की बात करूं तो मैं एक बार टंकी फुल करके ईख जोते हो अगर आप तो पूरा दिन निकाल देगा। दूसरा गियर लगा ले, दूसरे गियर में स्लो रेस पे, ये देखिए भाई बिल्कुल स्लो रेस पे चल रहा है पावर मीटर, ये देखिए भाई क्या रिस्पॉन्स है पावर मीटर का, ये देखिए चल चल, ये देखिए ट्रैक्टर से खेते गए ट्रैक्टर से, देखे भाई तो भाई से निकाल के जब